अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन कढ़ाई। जी हाँ, अगर आपके घर अचानक से मेहमान आ जाएं तो आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आपने फ़ौरन मोबाइल पकड़ना है, यूट्यूब ओपन करना है और कुकिंग स्पिन चैनल ओपन करना है और आपने ये कढ़ाई की रेसिपी देख के फटाफट बना लेनी है। तो उसके लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। ऑयल मैं लूँगी 2 कप और चिकन मैं लूँगी 3 किलो। ऑल पर्पस क्रीम मैंने लिए 100 ml और प्याज मैंने लिए हैं 4 दरमियाने साइज़ के, टमाटर 6 बड़े, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4, लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 बड़ा खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, फूड कलर हम लेंगे 1/2 टीस्पून, चाय का चम्मच, चिली फ्लेक्स हम लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, ज़ीरा और धनिया पाउडर हम लेंगे 2 खाने के चम्मच, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1.5 खाने का चम्मच, दही लेंगे 5 खाने के चम्मच। तो बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी। मैं इसे हाई फ्लेम पे नहीं कुक करूँगी, मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करूँगी। आपने ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं करना, इतना हो कि मतलब इसके छींटे जो हैं वो आप तक ना पहुँचे। उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी जो कि मैंने 3 kg लिया था। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसमें चमचा हिला दूँगी ताकि जो हमारी चिकन है वो अच्छी तरह से ऑयल में डिप हो जाए। ये देख सकते हैं मैं कैसे चमचा हिला रही हूँ। ज़्यादा चमचा नहीं हिलाना इसलिए कि हमारे जो चिकन है वो टूट ना जाए। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जो हमारा इसमें बोनलेस चिकन है वो ज़रा थोड़ा हार्ड होता है वो गल जाए। देख सकते हैं मैंने ढक्कन उठा के एक दफ़ा जो है इसमें फिर चमचा ही लाऊंगी ताकि हमारा जो चिकन है वो सारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, इसमें कोई स्मेल ना रहे। स्मेल के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट ताकि चिकन की जो जितनी भी स्मेल है वो सारी दूर हो जाए। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। जी तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपने मेरी रेसिपी देखते रहना है और अगर आपको कोई मुश्किल लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलें जी, ये हमारी एक तरफ तो चिकन भुन रही है, पक रही है, तो जल्दी रेसिपी अपने बनाने के लिए मैंने लिया है फ्राई पैन। उसमें मैं ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं, प्याज को थोड़ा सा सोते करूँगी, मैं इसे ब्राउन नहीं करूँगी, कढ़ाई में ब्राउन प्याज नहीं ऐड होते। तो उसके बाद मैं इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड कर दूँगी, इसे पकने दूँगी। मैंने इसीलिए सेपरेट किया है ताकि हमारी रेसिपी जो है कढ़ाई की वो क्विक रेडी हो जाए। तो आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनती है ये और जल्दी भी बन जाती है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। अभी आप देख सकते हैं मैंने कवर उठा दिया है और चिकन ने पानी भी छोड़ दिया है। चिकन हमारी गल गई है। अब जो चिकन ने पानी छोड़ा है मैं उसकी फ्लेम हाई कर दूंगी ताकि ये पानी जल्दी से खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर दूंगी, नमक, मिर्च, दर्द मिर्च, ज़ीरा और धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है ताकि जो हमारी चिकन की बोटियां हैं वो टूटे ना। दूसरी ही तरफ हमारे प्याज और टमाटर भी बन रहे हैं। अब मैं इसका कवर उठाऊंगी, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही और ऑल पर्पस क्रीम। ऑल पर्पस क्रीम मैंने इसलिए ऐड किए है क्योंकि मैं अपने चिकन को थोड़ी क्रीमी लुक देना चाहती हूँ, टेस्ट भी क्रीमी आएगा, बहुत मज़े का आएगा, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। चलिए जी, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसे कर दूंगी कवर ताकि हमारा जो टमाटर प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए और मसाला भी हमारा भुन जाए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फूड कलर लिया है उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं अपनी चिकन में ऐड कर दूंगी ताकि ये थोड़ा कलरफुल लगे। अब यह हो गया है अच्छी तरह से मिक्स। जो हमारा टमाटर प्याज वाला था
वो इस टाइम गल चुका है, रेडी हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, मसाला इसका ये देख सकते हैं आप भुन गया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे मैं डालूँगी ब्लेंडर में। ब्लेंडर में डाल के मैं क्या करूँगी, इसे ब्लेंड कर लूँगी। वो इस वजह से कि ताकि मुँह में टमाटर प्याज वैसे ना आए, क्योंकि चिकन हमने सेपरेट बनाई है। ये जो रेसिपी है ये क्विक बन जाएगी अगर आप टमाटर प्याज जो है पहले ऐड कर देंगे चिकन से। चिकन में तो आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी रेसिपी का टेस्ट भी बन जाएगा। तो ये देख रहे हैं, मैंने टमाटर प्याज ग्राइंड करके ब्लेंड करके वो इसमें ऐड कर दिया है। इसमें अच्छी तरह चमचा हिलाऊंगी। ये देख सकते हैं मैं कैसे चमचा हिला रही हूँ, बिल्कुल इसको घुमा फिरा नहीं रही, मैं इसको नीचे नीचे से जो है चम्मच मार रही हूँ ताकि हमारा मसाला नीचे से ना लगे। अब जब ये पानी बिल्कुल ही ड्राई हो जाए तो आप ये समझ लें कि आपकी चिकन जो है वो रेडी हो चुकी है। तो बढ़ते हैं आगे, ये देख लें जो पानी था वो इसमें से वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मसाला बन गया है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर लग रहा है, क्रीमी क्रीमी सा। चलें जी, ये हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।